आज के इस वीकली जो लेक्चर होती है उसकी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारी एक्यूप्रेशर की ज्ञान गंगा, जो हर सप्ताह सबके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म मैंने बनाया कि जिसको जो भी क्वेरी है, बहुत सारे लोग क्वेरी करते थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं दे पाती, तो मुझे लगा 1 घंटे का टाइम दूंगी तो उसमें सारे लोग आराम से अपना पूछ सकते हैं और मैं मुझे भी जो बताने में बता सकती हूँ। तो इसी के लिए ये शुरू की गई है, 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है और बहुत लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है। और वेलकम उनका भी करती हूँ जो हमारे इस लेक्चर में यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अभी हमने कुछ माह पहले से ही इस पर अपनी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाई है, तो देखा है कि यहाँ के लोग भी काफी एक्टिव हैं और अप्रोच कर रहे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीरीज थी वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई, एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो लोग जैसे मान लीजिए नए जुड़ते हैं हर बारी, तो उनके लिए बताती हूँ मैं, एक्यूप्रेशर वीकली सीरीज। तो 1 जनवरी से और अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं, अगर वो आप अपना चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ बताऊंगी अभी, तो ये डाल दूंगी वीडियो सारे यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं होते, तो आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा आज ये भी बताना चाहती हूँ कि जो रेगुलर देखना चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जो यूट्यूबर हमारे हैं, मैं क्यों कह रही हूँ इसके लिए आगे कहानी बताती हूँ, केवल सब्सक्राइब बटन पे उंगली रखती है और बाद में बेल आइकन पर ऑल वाले में, ताकि जो हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पे आकर के आप लोग मांगते हैं लिंक, वो थोड़ी हमें राहत हो जाए, ठीक है। और मैं आज वेलकम करने वाली हूँ, इंडिया के लोग तो हमें देख ही रहे हैं, साथ में मैं ये लिस्ट आपको दिखा रही हूँ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, फ्रांस, कतार, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, स्पेन, बहरीन, इटली, सिंगापुर, नाइजीरिया, हंगरी, कुवैत, मलेशिया, इंडिया, पुर्तगाल, नेपाल, स्लोवेनिया, पेरू, मैक्सिको, वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे मैंने इन 10 कंट्रीज का नाम क्यों नहीं लिया, इसकी संख्या शायद बहुत कम है इसलिए ये इस लिस्ट में तो नहीं आई, लेकिन मुझे याद था कि ये लोग भी हमें देखते हैं, तो ये नाम हमने अलग से कंट्रीज ऐड की है। मालदीव्स, इस हर वीकली लेक्चर में वो हमेशा ये लोग जुड़ते हैं, मॉरिशस एंड न्यूयॉर्क। तो ये जो हमारे व्यूवर्स हैं, इनको भी बहुत 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 ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि ये लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी मुझे जो काम करना होगा तो यूनिवर्सल लेवल पे आके करना होगा। अभी तक मैं लोकल और अपने कंट्री के हिसाब से कोशिश करती थी वीडियोस डालने की, तो इसलिए आज मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अब कुछ को आइडिया नहीं होता है, ऐसे 28% 6 व्यूअर्स हैं जो वॉच कितना करते हैं, देखिए ये रिटर्निंग व्यूअर्स हैं 3349, ये आते हैं और जाते हैं। व्यूअर्स हु हैड ऑलरेडी वॉच्ड योर चैनल प्रीवियसली एंड रिटर्न टू वॉच इन द सिलेक्टेड टाइम पीरियड, ये बार बार आते हैं, इनको मजा आ गया है। एंड न्यू व्यूवर्स नए कितने हैं, 8959, कब से कब तक में, 26 मार्च से ये इन्होंने लगाया है और अभी 21 अप्रैल है तब तक। ये न्यू व्यूवर्स वो है हु डिस्कवर्ड योर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिलेक्टेड पीरियड, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बस इतना ही करिए, शायद आपको आइडिया नहीं है, आपको केवल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, फ्री होता है, इसके पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, बस इतना ही फायदा है कि मैं वीडियो डालूंगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पे लिंक नहीं मांगेंगे कि आपने कोई वीडियो डाली हो तो हमको दे दिया करिए, तो आप सीधे ही आपके पास ही पहुंच जाएगी, ठीक है। अब
मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि आप हमें बता दीजिए कि हमारे यहाँ जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो विंटर प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री की, वहाँ और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, इस पे 34 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नी प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रीटमेंट, इस पर हमारी 8 वीडियोस हैं, देख सकते हैं। जो नए जैसे न्यू व्यूवर्स मैंने बताया 8,000 समथिंग है, तो वो जानना चाहते होंगे व्हाट इज एक्यूप्रेशर, व्हाट इज इट्स कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री। तो इस पर मैंने 5 वीडियो बनाई है, 1-1 आवर की है आई थिंक। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन एक्यूप्रेशर पार्ट 5, इसको जब आप क्लिक करेंगे जाकर के मेरे चैनल पे, तो ये 5 पार्ट्स अलग अलग खुल जाएंगे। तो वेदों में, उपनिषद में लोग पूछते हैं नहीं कहाँ से आई कहाँ से आई, तो ये सारा मैंने इसमें ऑलरेडी लास्ट ईयर डाल रखा था, तो आप इसको देखिएगा। इसके अलावा सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है, आपके खाने पीने में। डेली रूटीन हमारा डिस्टर्ब है, तो डेली रूटीन पर भी मैंने 26 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। समर प्रॉब्लम जो अपने कंट्री की है, इंडिया की और बाकी अदर कंट्रीज जो हॉट में आते हैं, तो इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं समर में और उसका क्या एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है आजकल, बल्कि मैं इसका पूरा सीरीज बना रही हूँ और डाल रही हूँ। जैसे मैंने इसके पहले बॉडी डिटॉक्स का डाला था और लोग आज भी उसको यूज कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। तो आप समर की प्रॉब्लम के लिए यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट अपने से खुद से करना चाहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो आप बॉडी डिटॉक्स नेचुरली नाम की जो प्लेलिस्ट है, ये सब कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसमें हमने 13 वीडियोस डाल रखी हैं, कौन सी पहले लगाएं, कौन सी बाद में लगाएं, कैसे लगाएं, क्या करें, ये हमने। डायबिटीज के बारे में आज मेरे से यूके से किसी ने मैसेज किया था कि हमें डायबिटीज के बारे में जानना है, तो आप डायबिटीज के बारे में हमने 7 वीडियोस तो यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप यहाँ से काफी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा इसके कोर्सेज हमने अलग किए थे, तो फिर कभी टर्न आएगा तो वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। अभी थोड़ा सा टाइम का हमारे पास में इशू है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ओल्ड एज वाले भी बहुत सारे जुड़ते हैं हमारे, उनको मैंने देखा तो मुझे लगा उनको बता दूं कि ओल्ड एज पर मैंने 12 वीडियो डाली है। और अभी जो आप देख रहे हैं एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर सीरीज, वो अब तक में 14 वीडियोस डाली जा चुकी है, आज वाली भी डल जाएगी, 15 हो जाएगी, तो ये डलती रहती है। और एक प्रॉब्लम वहां की, कुछ लोगों ने बोला रेनी वेदर है हमारे यहाँ, क्योंकि अब अलग अलग कंट्रीज से जुड़ रहे हैं, सबका ध्यान रखना है, तो रेनी वेदर पर अभी 2 ही हमारी डली हुई है, तो आप ये दोनों चेकआउट कर लें। इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी डिमांड लिख सकते हैं। इसके साथ रेनी सीजन के आसपास एक इंसेफेलाइटिस प्रॉब्लम भी आती है, वो भी हमने उसको अलग से बनाया हुआ है। हार्ट प्रॉब्लम पे 14 वीडियोस हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे यंग एज हो, सबको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए। क्यों? हर दिन आए दिन, अभी कोई एज बार नहीं है, सबको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और इतने वंडरफुल पॉइंट इसमें हार्ट के मिलेंगे आपको जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसके बाद आजकल कोरोना फिर से आ रहा है, हमारे पास अभी 2 पेशेंट आ भी चुके हैं और उनको रिलीफ भी हो चुका है। उसके बेसिस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस पर 24 वीडियोस अवेलेबल है, हिस्ट्री अवेलेबल है। इसका जो ये प्लेलिस्ट का कवर आप देख रहे होंगे ना, कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर क्या करें, इट वाज वंडरफुल, इसने इतना भयंकर काम किया है ना, यू कैन नॉट इवन बिलीव दिस। और अगर आपको बिलीव करना ही हो ना, मेरे पर मत जाइए। हर आदमी अपनी तारीफ करता है, कभी बुराई नहीं करता कि मेरे में ये कमी है, तो मैं कैसे अपनी कमी करूं कि मुझे ये नहीं आता। आप किसी के मत सुनिएगा, आपके पास ऑक्सीमीटर पुराना रखा होगा, आप अपना चेक करिएगा और फिर ये पॉइंट लगाइएगा जो इसमें बताया गया है, और फिर आप 1 घंटे के बाद में कलर केवल 2 डॉट, ब्लैक डॉट, 2 डॉट कलर लगा करके आप
और फिर 1 घंटे बाद अपना ऑक्सीमीटर चेक कर लीजिएगा एंड सी द मैजिक एंड डिफरेंस। जिसके भी ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही, जिसके भी लंग्स की प्रॉब्लम है, आराम से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि जहां सारे लोग परेशान हो रहे हैं तो क्यों ना मैं इनके बारे में बताऊं। ये थोड़ी क्वेरीज थी जिसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, और मुद्दा क्या है आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर की शुरुआत के लिए हम लोग 3 बार करेंगे ओम शब्द का पारायण, और इसके बाद करेंगे इसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ कि आप इसको शुरू करें। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी साथियों को। मैं कीर्ति मित्तल बैंगलोर से बोल रही हूँ, और हम लोग अब 3 ओम के उच्चारण करेंगे लंबे सांस के साथ में। आंखें बंद। सभी जन को हम आज की कविता सुनते हैं। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तुमको ही चाहे तुमको ही पाए, संसार का भय कुछ रह न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वो योग्य दादो सत्कर्म कर ले, हृदय में अपने सद्भाव भर ले। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए न आए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। ये रिहर्सल कराने का क्या इम्पोर्टेंस है आपको शायद नहीं पता चलता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे व्यक्ति के अंदर की चीजें बाहर आती हैं। इसमें कोई टोन, कोई म्यूजिक का इम्पोर्टेंस नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चुपचाप लिखने से, मैसेज टाइप करने से नहीं होता। तो मैं सबको पकड़ूंगी हर बार, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आहार में स्वास्थ्य में आहार का क्या महत्व है। उल्टा हो गया, स्वास्थ्य में आहार का क्या महत्व है। आप जानते हैं स्वास्थ्य में आहार का क्या महत्व है, बताएगा कोई? जो हम आहार खाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है,
क्यों खाते हैं, क्या मतलब है खाने का, किस लिए हम खाएं? एनीबॉडी कैन टेल मी? टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। क्या बात है, कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सारांश जी, मेरी आवाज आ रही है? एनर्जी गेन के लिए, ठीक है, ओके। सबके आंसर सही हैं। हम कोई भी चीज इसलिए लेते हैं, जिस चीज से हम बने हुए हैं वो तो लेना ही पड़ेगा ना। एक आप देखते होंगे, मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, दीवार है, सीमेंटेड है। अब अगर वो टूट रही है तो प्लास्टिक से जोड़ें तो चलेगा? प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कलर का ले लें और उसमें प्लास्टरिंग कर दें तो संभव है? नहीं है। जो जिस चीज से बना है वो उसी से बनेगा टूटने पर। तो टूटना क्या है? हमारी बीमारी, टूटे हुए हैं। किसी को सिर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी को इस ऑर्गन में, किसी को उस ऑर्गन में, हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही। अब हम क्या करें इसके लिए? जिस चीज से बना हुआ है, जो चीज, हमें उसी को करेक्ट करना है। तो आप किससे बने हुए हैं? आप बने हुए हैं आहार से। यही कारण है कि अगर आप आहार कम कर देते हैं तो आप भी कम हो जाते हैं, आहार बढ़ा लेते हैं आप भी बढ़ जाते हैं। तो आहार से आकार का सीधा संबंध है, होता है ना। आप खाना छोड़ देते हैं तो पतले हो जाते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं तो आपका आकार बढ़ जाता है। बहुत से और भी कारण हैं जिसमें हम कम खाएं तो भी वजन बढ़ जाता है। लेकिन मोटा मोटा अगर ध्यान दें तो खाना कम खाएंगे तो कम रहेगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो आहार का इम्पोर्टेंस जो है आपके स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा है। और इसी को हम जाने अनजाने गड़बड़ करके बीमार हो जाते हैं। अब आज का टॉपिक कुछ और था, लेकिन आज रास्ते में कुछ ऐसी घटना घटी कि टॉपिक चेंज हो गया। और ये टॉपिक 15 मिनट के अंदर टाइप किया है और बना के रख दिया फटाफट, इसीलिए आपने देखा होगा थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। आज मैं मार्केट ट्रीटमेंट में गई थी, तो मार्केट से लौट रही थी, मुझे कुछ पूजा की चीज चाहिए थी। तो वहां देखा दो लेडी बैठी हुई थी, उन्हें कुछ सामान चाहिए था। उन्होंने बोला कि ये सामान पैक करा दीजिए, मैं चुपचाप खड़े होकर वॉच करती। उसमें से एक लेडी ने कहा, भैया आपके पास मिर्ची का पाउडर होगा क्या? मेरे कान खड़े हो गए, इतनी गर्मी और मिर्ची का पाउडर, और यहाँ तो 43-44 टेम्परेचर चल रहा है, इतनी गर्मी ऑलरेडी है कि बुरा हाल, चेहरा जल जाए अगर आप कुछ कवर ना करें तो। मिर्ची पाउडर लाल वाला वो भी? तो उसने कहा हाँ है। इसमें बात नहीं बनी, आश्चर्य अब होने वाला है। तो उसने कहा कि दे दीजिए कौन सा है, तो उसने बताया कि ये वाला है, ब्रांड बताया। तो कहा नहीं, वो हमें छोटी वाली मिर्ची चाहिए। तो इससे छोटी वाली कौन सा कोई होता होगा, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई जानने के लिए छोटी वाली क्या है। तो कहा हमें छोटी वाली मिर्ची चाहिए। तो फिर शॉपकीपर ने कहा, अरे वो तो जो बहुत तीखी होती, तेजा चाहिए आपको? तो बोला नहीं, उसको लगा कि कंपनी का नाम है। तो कहा नहीं, वो कंपनी वाला नहीं, छोटी छोटी जो मिर्ची है। तो बोली हाँ, अरे वो तो बिल्कुल जहर होती है, बहुत तेज होती है, वो चाहिए आपको? तो बोला हाँ, हमको वही चाहिए। तो वो एकदम बहुत तीखी वाली होती होगी कोई ब्रांड मिर्च की, उसने उसको मंगाया।
बगल में उसके एक और जो लेडी थी उसने बल्कि बोला, और उनकी एज किसमें थी, 50s में रही होगी, 50s में, हाँ। और जो उनसे क्वेश्चन कर रही थी वो आई थिंक 40s में रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको खाएंगी, ये तो बहुत तीखी है। तो बोला जब तक तीखा ना हो ना तो फिर मजा नहीं आता। मैंने कहा मजे के लिए हम इतना बड़ा खिलवाड़, इतना तीखा मिर्ची ये खाने वाली हो? कहा मैम इसका तो बस थोड़ा सा आप ले लें तो बिल्कुल कान गर्म हो जाते। बोला हाँ यही वाली चाहिए। तो मुझे लगा कि आज तो हमें अपने सारे स्टूडेंट के कान ठंडे करने हैं। पता नहीं कौन कौन और भी खा रहा होगा, पहले चलो उसको रोको, बाकी तो ट्रीटमेंट वगैरह का मैं डालती ही रहती हूँ। तो आज मैं इसी पे बात करूंगी। इसीलिए मैंने लिखा कि स्वास्थ्य में आहार का क्या महत्व है। ये देखिए स्वास्थ्य में आहार का महत्व, इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ बड़ा। तो ये आहार किस किस तरीके के होते हैं? तो देखिए 4 बेसिक क्राइटेरिया होती हैं फॉर एनर्जेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। जो आप खाते हैं ना, बहुत सारे तरीके के फूड्स होते हैं, उनको हम मोटा मोटा 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या 4 कैटेगरी होती? पहला तो था थर्मल नेचर, उनका स्वभाव कैसा है, जो आप खा रहे हैं, छूने में नहीं, टच में नहीं, जो आप खा रहे हैं कि खाना गर्म है कि ठंडा है उससे मतलब नहीं है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, टच से मतलब नहीं है। उनका नेचर कैसा है, थर्मल नेचर, स्वभाव कैसा है। जैसे मिर्च की बात करी हमने ना, तो मिर्च को टच करने में थोड़ी गर्म और ठंडा है, लेकिन उसका स्वभाव है कि बहुत गर्म है। और वहीं कुछ चीजें ठंडी मिलेंगी आपको। दूसरा फ्लेवर से है, कुछ स्वीट्स होती हैं, कुछ एक्रिड होती है, कुछ सार होती है, कुछ बिटर होती है, कुछ सॉल्टी होती है। इसके अलावा तीसरा ऑर्गन नेटवर्क के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई चीज होता है जो स्टमक पे अफेक्ट करती है, कुछ होता है जो लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आप जाएंगे कहीं मार्केट में जहाँ हाउस होल्ड रेमेडीज वगैरह मिलती हैं, तो लोग बोलते हैं भैया पेट साफ करने का कोई चूर्ण दे दो, तो इसका मतलब उसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करेंगे। कोई बोलता है कि हमें लिवर के लिए कुछ है तो बता दो, तो वो पाउडर निकाल के देता है या मेडिसिन निकाल के लोग देते हैं कि ये मेडिसिन लो। यानी उसमें जो कंपोनेंट है वो केवल किडनी के हिसाब से डिजाइन है, वो उसी पे वर्क करेगा। तो कुछ लंग्स के लिए, कुछ LI के लिए, कुछ गॉल ब्लैडर लिवर, इसके ऑर्गन नेटवर्क के हिसाब से फूड होते हैं। अब पता चला कि हमें स्प्लीन में प्रॉब्लम है और हम स्प्लीन जिससे नाराज होती है उसी को काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट ही होगा डे बाय डे, कभी भी अच्छा नहीं होगा। भले आप कितना ही डाइट अपनी बढ़ाते जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने सुना होगा ये कहते हुए लोगों को कि हम तो इतना अच्छा खाते हैं, इतना बढ़िया खाते, फिर भी बीमार रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? चाहिए हमें स्प्लीन के लिए और हम दे रहे हैं लंग्स के लिए, तो लंग्स ओवर लोडेड हो रहा है और स्प्लीन अंडर एक्टिव हो रहा है, इससे भी बीमारियां होती हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जब हम किसी भी चीज को कुकिंग करते, प्रिपरेशन करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट हो सकती है, तो उसमें उसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। और 4th होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। कुछ होते हैं चीजें, फूड, जिनका डायरेक्शन अपीयरिंग है, लेने के बाद आपको बड़ा अच्छा फील होता है, लेते ही एनर्जी आ जाती है। किसी का फ्लोटिंग है, वो फ्लोट करने लगता है। किसी का नेचर डाउन बियरिंग है, आपको नीचे लेके चला जाएगा, खाते ही आपको नींद आ जाएगी, आप लेट जाएंगे, आपको रिलेट नहीं कर पाते कि आज ऐसा क्या खाया कि लेट गए, और दूसरे दिन ऐसा क्या खाया था कि आंखों से नींद गायब थी, हम तो काम पे लग गए थे। और एक फॉलिंग होता है, वो आपको बिल्कुल गिराता ही चला जाता है। नियम से एक रूटीन पे आप खाए जा रहे हैं और लगातार आप बीमार हुए जा रहे हैं। तो मोटा मोटा जो बेसिक क्राइटेरिया है एनर्जेटिक क्लासिफिकेशन का फूड का, वो ये 4 है।
अब इन चार में से भी आपको मैं बताऊं, कि थर्मल नेचर और जो फ्लेवर है वो मेन प्रिंसिपल है, वैल्यू के हैं, हमें इसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो थर्मल नेचर एंड फ्लेवर आर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इन क्लासिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, हमेशा से इनका यूज होता आया है कि भाई ये मत खाना, ये मत खाना, ये हो गया है अब ये नहीं खाएंगे, ये हो गया अब ये नहीं खाएंगे, ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है क्लासिकली। जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगी उनको बहुत नॉलेज थी, लेकिन आज हम सो कॉल्ड बहुत ही एजुकेटेड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा हम फील कराते हैं कि हम बड़े एजुकेटेड हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए और वो इलिटरेट है। यहाँ पे लिटरेसी और इलिटरेसी का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अब नहीं कर रहे, अब हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं। हमने ऑर्डर किया फूड और 2 मिनट में आ गया और हमने खा लिया, उसमें क्या डला है क्या नहीं डला है, क्या खाना था क्या नहीं खाना है, नहीं, अभी हम टंग बेस्ड लाइफ जीते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो पहले के लोग आपको ये चीजें बताते थे ना, इनका कॉम्बिनेशन था, इसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मेरा सिंस चाइल्डहुड एक नेचर रहा है चीजों को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना। जब मैं कभी दावत खाने के लिए गई हूँ गांव की तरफ बाबा दादा जी के यहाँ, तो वहां तक एक तो आपको चेयर नहीं मिलती थी, सबको सिटिंग पोस्चर में स्क्वाट पोस्चर बनाइए, जमीन में बैठिए, चाहे जितने बड़े आदमी हैं बैठना जमीन में है, उसके साथ में सबके साथ आपको खाना है, उसमें आपको कभी कोई सॉल्ट नहीं देता था। जो पंपकिन होता है हमारे यहाँ उसको कद्दू कोहड़ा बोलते हैं, उसकी सब्जी कंपल्सरी थी, वही बननी है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, मिलियनेयर बिलियनेयर हो या रिक्शे वाला हो, उसके यहाँ शादी हुई है भले वो 10 लोगों को खिलाएगा, और जो मिलियनेयर बिलियनेयर है वो थाउजेंड्स को खिलाएंगे, लेकिन जो रेसिपी है विल बी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या बनता था? कद्दू की सब्जी पम्पकिन, जिसमें सॉल्ट नहीं होता था, और पूरी कचौड़ी दही कर्ड विद स्वीट, और सॉल्ट अलग से आपके उसमें जो पत्तल होता था इको फ्रेंडली, कि आपको धोना नहीं उठा के फेंक दीजिए, उसमें साइड में आपके सॉल्ट रख देते थे, सब्जी में नहीं डालते थे, और हर घर में हर जगह यही आपको मिलता, डिनर हो चाहे लंच हो। मैं जब पहली बार मैंने ये खाना खाया तो पहली बार तो टेस्टी बहुत ज्यादा था, मजा आ गया, लेकिन फिर मैंने 2-4 बार अलग अलग जगहों पे जब खाया तो मैंने कहा ये कॉमन क्यों है। मैं सोचती थी कि कोई और सब्जी नहीं बना सकते, कैबेज है, ब्रोकली वगैरह है, पालक वगैरह, ये क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग, यही क्यों बनाते हैं। हाँ, सर्दियों में पालक की सब्जी ऐड हो जाती थी क्योंकि उस समय पम्पकिन नहीं मिलता था, तो बस यही होता था। पढ़ते पढ़ते जब मैंने ग्रेजुएशन में न्यूट्रिशन पढ़ा, बोटैनिकल इकोनॉमिकल बॉटनी पढ़ी, फिर मेरे दिमाग खुल गए कि पम्पकिन के पास में कोलेस्ट्रॉल को कट करने का, रिड्यूस करने का पावर है। उसके जो सीड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कटिंग का काम करते हैं, और आप क्या खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, ऑयल पूरी जिसमें लगी हुई है, पूरी खा रहे हैं ऑयल, हालांकि वो भी देशी घी होता था, ठंडक के टाइम में सरसों मस्टर्ड ऑयल, अदरवाइज घी। तो ये बड़ा मैं वॉच करती थी कि ये इसका क्या कॉम्बिनेशन, और दही के अंदर में स्वीट होता था, आपसे पूछते भी नहीं थे, डाल के चले जाते थे, सॉल्ट नहीं देते थे, शुगर देते थे, सॉल्ट अलग कर दिया,
बस ये हल्का सा खाना होता था। तो सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते पता चला कि जो आपकी कर्ड है ये भी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू की है, और ये जो आपकी पम्पकिन है ये तो भयंकर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली है, और इसके साथ में शुगर ऐड कर दिया ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, हड्डियां मजबूत रहें, अगर और आपके जो फ्लोरा है इंटेस्टाइनल वो डेवलप करें। अगर इसी में वो जीरा वाला नमक डाल देते तो रायता ना बन जाता, या दही ही बन जाती नमकीन वाली, वो क्यों नहीं देते थे? नमक तो थोड़ा ही खर्च होगा ना, जीरा का नमक, और शुगर तो लोग खूब ऐड करवाते थे तो शुगर तो ज्यादा खर्ची होगी, फिर भी वो शुगर ही क्यों दे रहे हैं? तो जब मैंने पढ़ा शुगर वो नेचुरल वाली खांड वाली होती थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वंडरफुल, क्या साइंटिस्ट है ये। और अभी क्या हुआ, स्वीट की जगह पे आ गया रसगुल्ला, और पम्पकिन तो बेचारा पता नहीं कहाँ परेशान होगा, है ही नहीं दुनिया में। अभी पम्पकिन रिप्लेस हो गया है पालक पनीर में, पालक पनीर वंडरफुल आपकी वेजिटेबल है, इसलिए फॉर गॉलब्लैडर स्टोन। पालक में है आपका ऑक्सैलिक एसिड, पनीर में है आपका लैक्टिक एसिड, उसमें से जो लैक्टिक है तो कैल्शियम ऑक्सैलेट का क्रिस्टल बढ़िया बनाता है और आपके गॉलब्लैडर में इकट्ठा करता रहता है। इधर जब आप खूब पनीर बनाएंगे, खूब तेल में उसको फ्राई करेंगे, रिफाइंड ऑयल जो बिल्कुल यूजलेस ऑयल है, उस रिफाइन में आप पनीर को फ्राई करेंगे, फिर पालक को फ्राई करेंगे, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे। अब पालक और पनीर पूरी तरीके से यूजलेस है क्योंकि खूब ज्यादा फ्राइड है, डीप फ्राइड, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो चाहे दो ऑप्शन है, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बनवा लीजिए गॉलब्लैडर में, चाहे कैल्शियम ऑक्सैलेट का। कोलेस्ट्रॉल का भी कठिन है, आप सर पटक लेंगे भागेगा नहीं, और कैल्शियम ऑक्सैलेट तो पत्थर है, पत्थर बढ़ता चला जाएगा, हटेगा नहीं बिना सर्जरी के। तो हम हर इनविटेशन में आज गॉलब्लैडर स्टोन लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, डायबिटीज ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, हम वहां पे जाते हैं और इतनी स्टॉल्स होती हैं, इतना शो ऑफ करने के लिए, इतना कोई खा सकता है क्या कि एक से शुरू करे और लास्ट तक करे? रोटी भी है, पूरी भी है, सैलड भी है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन विथ फूड एंड फ्रूट? फ्रूट सैलड भी है, आइसक्रीम भी है, ये भी है, वो भी है, और अगर आप रखोगे तो मन तो होगा ही खाने का, तो हम खाएंगे भी, फिर फूड पॉइजनिंग भी होगी, फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे, तो जितना आपने उतना दिया नहीं उनको, उससे ज्यादा आपका खर्च कहाँ हो गया? डॉक्टर के यहाँ। और पहले के टाइम में कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें आप समझिए, ध्यान दीजिए कि हमारा जो पहले का कल्चर था वही बढ़िया है। जो कद्दू के बीज हम नहीं करना चाह रहे, फेंक रहे हैं, वही कद्दू के पम्पकिन सीड को अब ड्राई करके बड़ी बड़ी कंपनियां जब पैक करके दिखा रही है ना टीवी में, तो आप उसको खरीद के ला रहे हैं। मैंने देखा इतना सा बीज 300-400 का, जो आपके डस्टबिन में पड़ा होगा, तो जब आप यूज नहीं करेंगे तो हम आपकी जेब का यूज करेंगे, आप हमें पैसा दीजिए हम वही आपको खिला रहे हैं। तो इसका ध्यान दीजिए। तो फ्लेवर एंड थर्मल नेचर आर ऑफन कंबाइंड टू डिस्क्राइब अ फ्लेवर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, लाइक स्वीट हॉट, ये कॉम्बिनेशन है, एंड सार कूल, इसका कॉम्बिनेशन बना करके ही हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एनर्जेटिकली हॉट फूड्स सच एज पेपर, चिली एंड गार्लिक, बड़े ध्यान से समझिएगा इसकी एक एक लाइन, आपको मजा दे आएगी। चिली एंड गार्लिक हैव अ हीटिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, अंडरस्टैंड। कोल्ड फूड्स सच एज टमेटोज एंड बनानास कूल द बॉडी। अब यहीं पर आपको बताऊं मैं, टमेटो सर्दियों में खूब यूज होता है, जबकि ये कोल्ड है,
है ना, तो ये फिर सर्दियों में क्यों आता है? तो इसके साथ आप क्या कॉम्बिनेशन करते हैं, आप गार्लिक यूज करते हैं। टमाटो की जो चटनी बनाते हैं तो उसमें गार्लिक यूज क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए। चिली यूज क्यों कर रहे हैं? तो गार्लिक लिया, चिली लिया, जिंजर लिया, और इसमें जब ऐड कर दिया आपने तो न्यूट्रल हो गया, और आप खाते हैं क्योंकि उसके और भी इफेक्ट होते हैं। कोल्ड फूड्स, टमाटो एंड बनानास, ये भी कूलिंग इफेक्ट देते हैं। बनाना, वार्म एंड कूल फूड हैव अ माइल्डर इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये इतना कूल नहीं है कि बिल्कुल आपको फ्रीज कर देगा, ये कूलिंग इफेक्ट लाएगा, क्योंकि हमारे बाहर टेम्परेचर कूल हुआ है लेकिन हमने अंदर इतना उल्टा पुल्टा किया है ना कि अंदर हीट ही भरी होती है। तो वार्म एंड कूल फूड्स हैव अ माइल्डर इफेक्ट ऑन द बॉडी। न्यूट्रल फूड्स भी होते हैं, डू नॉट चेंज द एनर्जेटिक लेवल ऑफ द बॉडी। कुछ फूड ऐसे होते हैं कि खाओ तो भी ठीक, नहीं खाओ तो भी ठीक, उससे एनर्जी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी एनर्जी ऊपर नीचे नहीं होगी, बाकी तो अपना न्यूट्रिशनल जो उनका वैल्यू है वो तो रहेगा। थर्मल क्वालिटी इनिशियली हैज अ जनरल इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, इट कूल्स और वार्म इट, या तो ये ठंडा करेगा या गर्म करेगा इनिशियली। फ्लेवर एंड एसोसिएशन विद वन ऑफ द फाइव फेजेस डिटरमिन द फूड्स इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और नेटवर्क। जब हम इनमें से कुछ एसोसिएट करने लगते हैं, एक से दूसरे में मिलाने लगते हैं ना, तो इनका किसी ऑर्गन पर या उसके नेटवर्क पे एक अलग ही इफेक्ट आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू, द स्वीट फ्लेवर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ फेज। जो मीठा है ना, इसका जो संबंध है अर्थ से है, एंड प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस द करेस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स स्टमक एंड स्प्लीन। इसका संबंध आपके स्टमक और स्प्लीन से है, स्वीट फ्लेवर का। तो आप जब कोई मीठी चीज खाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट आपके स्टमक और स्प्लीन पर ही आता है ज्यादा, बाकी तो सब में आएगा। और स्प्लीन का नेबरिंग ऑर्गन कौन है? जो एकदम उसके बगल वाले घर में रहता है, उसका नाम है पेंक्रियास। तो आपको पता ही है स्वीट से पेंक्रियास का कितना गहरा नाता है, कि जहां भी किसी को डायबिटीज होते तो बोलते हैं और मीठा खाओ, मीठा कम कर दो, या कोई मीठा खाते ही रहता है तो हम बोलते हैं ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा। हालांकि टेक्निकली बहुत वो नहीं है, लेकिन उस पर उसका असर आता ही है, तो ये उसका मीनिंग है। क्या करता है? इट हैज अ वार्मिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑन स्टमक एंड स्प्लीन। ये जो स्वीट फ्लेवर है, ये कूलिंग या वार्मिंग इफेक्ट लाता है डिपेंडिंग ऑन थर्मल नेचर। अब देखिए कैसे कूल और वार्म करता है एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, फनेल टी वार्म्स द स्टमक। फनेल माने सौंफ, आप सौंफ खाते हैं, स्वाद में मीठी है टेस्ट में, लेकिन ये स्टमक को गर्म करती है। गर्म का मतलब हॉट नहीं, वार्म। अच्छा, वार्मनेस और हॉटनेस में क्या डिफरेंस है? कोई चीज हम गर्म कर रहे हैं, एक वार्म कर रहे हैं, हल्का गर्म कर रहे हैं, ल्यूक वार्म, और किसी को हम बिल्कुल बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जो वार्म करते हैं, वार्म का डिस्पर्सिंग नेचर है, जैसे आपका घी है, अगर आपने उसको हल्का से टेम्परेचर दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा। आइस है, हल्का सा दिया तो मेल्ट हो गया। और हॉट इफेक्ट का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल ड्राई करके सुखा देना। तो वार्मिंग वाले जो फूड होते हैं वो उसमें डिस्पर्शन करती, और जो हॉट वाले होते हैं उनका दूसरा रोल हो जाता है। अब देखिए, फनेल टी, फनेल आपका स्वीट है, ये क्या करता है? इट वार्म्स द स्टमक, वेयर एज व्हाइल बनानास हैव अ कूलिंग इफेक्ट। बनाना भी स्वीट है लेकिन इसका कूलिंग इफेक्ट आता है। तो टेस्ट से में भी आपका नेचर अलग अलग हो सकता है। ये नहीं कि स्वीट का मतलब आप
फिक्स कर दें कि स्वीट मतलब कोल्ड या स्वीट मतलब हॉट, ठीक है। अब आइए हॉट पर। हॉट फूड क्या करता है? हॉट फूड आपके यांग को इंक्रीज करता है। यांग माने फंक्शन, समझ रहे हैं आप? अब गर्मी देख लीजिए, गर्मी में आपका फंक्शन बढ़ जाता है। आपको 2 मिनट धूप में खड़ा कर दें आप भाग जाएंगे, फंक्शन बढ़ गया। और जाड़े में आप वहीं पर सिकुड़ के बैठे होते हैं। तो हॉट फूड्स इंक्रीजेस यांग, स्पीड अप क्वी, स्पीड अप कर देता है, एक्टिवेट, वार्म, डिस्पर्स, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वार्म द बॉवल्स एंड विसरा। विसरा यहाँ हमने लिखा है यिन यांग ऑर्गन, सारे ऑर्गन जो होते हैं आपके, उन सबको गर्माहट देता है, एनर्जी देता है, आगे बढ़ने के लिए, एलिमिनेशन के लिए काम करता है। एलिमिनेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोल्ड, अंदर या बाहर अगर कहीं कोई ठंडक लग गई है तो उसको एलिमिनेट करता है। एंड मोबिलाइज डिफेंस एनर्जी, जो आपके बॉडी में डिफेंस के लिए एनर्जी बनती है उसको मोबिलाइज करता है, चलाता रहता है। जैसे डिफेंस की सेना हो और हम उसको आगे मूव करा दें, बता दें कि कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सिम्टम, आपको कोल्ड लग गया है। कब कोल्ड लगता है? वैसे जाड़े में कि गर्मी में? गर्मी में तो लू ही लगती है ना, या जाड़े में भी कोल्ड स्ट्रोक होता हो? गर्मी में भी कोल्ड स्ट्रोक होता है, आपको बताऊंगी मैं, 100% होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सिम्टम, ठंडक लग गई कब? जाड़े में या गर्मी में, ये आपको बताती हूँ। जिंजर, सिनेमन, और अगर फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं उनके लिए लैम, चिली, ये सारे कोल्ड सिम्टम को हटाने के आइटम्स हैं। इसके अलावा एक्सेस, अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया किसी को, जो हुआ लास्ट ईयर क्या होता था, कोरोना जब आया, इतना जिंजर लोगों ने लिया, इतना जिंजर कि जिंजर की शॉर्टेज हो गई, परेशान हो गया, बाहर मार्केट में परेशानी, क्राइसिस हो गई, अंदर भी क्राइसिस हो रही, परेशान है सारे ऑर्गन की, भाई ये बंद कब करेगा। मैंने कोई एक जोक देखा, स्टमक वॉज क्राइंग, भाई कोरोना लंग्स को हुआ है तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कोई जिंजर पिला रहा है, कोई ये क्या बोलते हैं एलोवेरा, कोई गिलोय, तो कोई अदरक, कोई ये कर कर के डाल रहे हैं, तो स्टमक वॉज लिटरली क्राई। अब मुझे भी लगा कि यस, ये तो बहुत सही बात है, लंग्स को प्रॉब्लम है, कोरोना लंग्स में हुआ है, तो आप स्टमक को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये चीजें हैं, अगर एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? एक्सेस क्रिएट्स हीट। अभी तक तो कूलिंग कर, कोल्ड आपने गर्म किया, वार्म किया, वार्म के बाद फिर हीट में आएगा, हॉटनेस आएगा, ड्राई करना शुरू करेगा, तो इसमें यांग रिप्लेशन हो जाता है, यांग आपकी बढ़ जाती है, इंजर्स यिन एंड ड्राइज आउट बॉडी फ्लूइड। फिर आपके बॉडी फ्लूइड सूखेगा, फिर मुंह सूखेगा, गला सूखेगा, फिर मुंह में छाले आ जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं है क्यों हो गया, हमें तो सर्दी लगी हुई थी। लेकिन किसी भी चीज को जब उसके ऑप्टिमम लेवल से एक्सेस करेंगे तो उसका अपोजिट इफेक्ट आपके बॉडी पर आता ही है। नेक्स्ट, वार्म। पहले आपने हॉट देख लिया, अभी ये उससे माइल्ड पावर का वार्म। वार्म फूड स्ट्रेंथन यांग एंड क्वी, वार्म द बॉडी बॉवल्स एंड यिन यांग ऑर्गन, विसरा बोलते सारे ऑर्गन मिला के, एंड वार्म एंड स्ट्रेंथन द सेंटर बर्नर। सेंटर बर्नर माने बीच का जो पेट का हिस्सा है आपका, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में क्या है? बीच में है आपके लिवर, बीच में है आपके पेंक्रियाज और आपकी इंटेस्टाइन्स, तो इन सबको ये वार्म कर दे, वार्म कर देगा तो जो अंदर इसके स्टिकनेस है, चीजें चिपकी हुई है, वो निकल जाएंगी। क्या है एग्जाम्पल? ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सिम्टम में भी इसको यूज करते हैं, फनेल, सौंफ, चिकन, बीफ एंड ओट्स। अभी मुझे सबका ध्यान रखना होगा, तो सारी चीजें मैंने लिखी। एक्सेस क्रिएट्स
यांग रिप्लीशन। ज्यादा अगर करेंगे तो ये भी वही रोल अदा करेगा जो हॉट वाले ने किया था। नेक्स्ट वन न्यूट्रल। कुछ चीजें हैं न्यूट्रल है, उनसे आपके इन चीजों से कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल फूड्स बिल्डअप की एनर्जी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ करते ही नहीं, लेकिन हॉट या वार्म नहीं करेंगे। इनका मतलब ये है कि ना ठंडा करेंगे ना गर्म करेंगे। हाँ, आप इसमें किसी चीज को डाल के प्रिपेयर कर देंगे अगर अकेले हैं तो इनमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं, लेकिन जिस चीज में आप डाल देंगे उस हिसाब से इनका नेचर चेंज हो जाएगा। तो इट बिल्ड्स अप क्वी एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड स्टेबलाइज एंड हार्मोनाइज द बॉडी। बॉडी को हार्मोनाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा, हेल्दी रखेगा। क्वी को बिल्डअप करेगा, बॉडी फ्लूइड को बिल्डअप करेगा। एग्जाम्पल क्या है क्वी वैक्यूटी का? हनी, राइस एंड पोटैटोस। और देखिए यही रीजन है कि हमारे यहाँ का मतलब ऑल ओवर द कंट्री राइस एंड पोटैटो आपके डाइट का मेन पार्ट होते हैं। अगर कोई इस पे गौर करे तो देखे कि व्हाई राइस एंड पोटैटो वी आर यूजिंग डेली। ज्यादातर आपको इस प्रिपरेशन के अलावा बाकी चीजें मिलेंगी, ये कॉमन है। थर्ड नंबर पे हनी को आप लेते हैं हेल्दी रहने के लिए अलग अलग वेज में, तो ये इसके न्यूट्रल इफेक्ट है, इसलिए ऐसा है। बाकी को डेली डाइट का हिस्सा बनाएंगे, कोई वॉर्म है कोई कूल है, इसे तो आप हर सीजन में यूज कर सकते हो। कूलिंग इफेक्ट का, कूल फूड्स सप्लीमेंट बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, स्लो डाउन क्वी, क्वी को स्लो कर देता है एंड क्लियर हीट, हीट को निकाल देता है। और जो एक्सेसिव क्वी हो रही है, भाग रही है यहाँ वहां, उसको न्यूट्रलाइज करता है, स्लो डाउन करता है। इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम ट्रीटमेंट ऑफ हीट सिम्टम में योगर्ट को देंगे, सोया मिल्क एंड व्हीट, ये सारे हमारे कूलिंग इफेक्ट वाले हैं। ठीक, अब इसमें जो योगर्ट है, ये तो योगर्ट है, कर्ड को इसमें मत लीजिए। कर्ड का नेचर है हॉट, दही जो खाते हैं ना, बहुत से लोग दही ठंडी होती है, बिल्कुल नहीं होती, दही होती है गर्म। दही के होते हैं कई टाइप्स। दही में अगर आपने बिल्कुल दूध को जमा दिया और उसका निकाला, वो जो कर्ड है ना, वो प्योर हीट वाला है, हॉट है, हॉट सारे ज्वाइंट्स को जाके आपके ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसीलिए उसमें पानी मिला करके यूज किया जाता है। पानी जब मिलाएंगे तो उसका नेचर कूल हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट देगा वो। ठीक है, तो इसीलिए उस पानी की भी जो क्वांटिटी है उसको भी हम कम ज्यादा करते, उसको तक्र, मट्ठा, छाछ अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोल्ड। कोल्ड फूड क्रिएट्स कोल्ड कूल इंटरनल हीट एंड हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द स्पिरिट। स्पिरिट माने मन, आपके मन को शांत रखता है। ट्रीटमेंट ऑफ हीट सिम्टम में इसका यूज करते हैं वाटरमेलन, डैंडेलियन, ऑरेंज। लेकिन अगर इसको हम एक्सेस लेते रहेंगे तो क्या करेगा? ठंडा 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 करते करते फ्रीज कर देगा, तो एक्सेस डैमेजेस क्वी एंड यांग एंड थोरली कूल्स डाउन द बॉडी। आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, कूल कूल होके लेटे रहेंगे हमेशा बेड पर। तो किसी भी चीज को टू मच नहीं करना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू शुड नो अबाउट इट, कि हमें कोई भी चीज एक्सेस में नहीं लेनी है, एक मॉडरेट जो उसका है उसी में रखें। इफ समथिंग इज कोल्ड तो क्या करेंगे हम? हीटेड, हीट कर दीजिए उसको। इफ समथिंग इज हॉट, कूल इट। ये ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट है बाई डाइट, कुछ नहीं करना, आप नेचर उसका देखे ठंडा है
कोई बीमारी ठंडी से आई है गर्म कर दीजिए, गर्म है ठंडा कर दीजिए बाय डाइट सप्लीमेंटिंग द अपोजिट पोलैरिटी रेस्टोर्स ओरिजिनल बैलेंस। कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है उसका अपोजिट दे देंगे तो वो क्या होगी रेस्टोर कर लेगी अपनी ओरिजिनल एनर्जी को। कोल्ड रिक्वायर्स वार्मथ, हॉट नहीं वार्मथ, तो ये क्या करेगा ये यांग कर देगा हॉट एंड वार्म कर देगा। और हीट क्या है हीट रिक्वायर्स कोल्ड, तो यिन कोल्ड एंड कूल कर देगा है ना यिन कर देगा। अब आप देखिए कि आप अपने डाइट में क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहां पर अभी इस समय टू मच हीट है। अब हम क्या खा रहे हैं मार्केट वाली बात छोड़ दीजिए कि मिर्च खरीद रहे हैं अदरवाइज हम क्या करते हैं घर में क्या लहसुन और प्याज अभी भी खा रहे हैं रॉन्ग है। अगर आप दही खा रहे हैं प्योर रॉन्ग है उसको चेंज कर लीजिए पानी डाल लीजिए। इसीलिए छाछ पीते हैं लोग लस्सी पीते हैं लोग सॉल्ट वाली नहीं स्वीट वाली ठंडा करने के लिए। अगर आप आइसक्रीम खाते हैं ये आपने तो लिखा है कि हीट रिक्वायर्स कोल्ड तो कोल्ड कोल्ड हम आइसक्रीम तो खा रहे हैं आइसक्रीम इज नॉट कोल्ड। टचिंग में कोल्ड है लेकिन आपको पता है आप पानी को जरा सा हमें जमा के दिखाइए। आप अपने ग्लास में पानी ले लीजिए और मेरे सामने कुछ जादू करिए कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे बॉइल कर दीजिए। बॉइल करेंगे तो आइस बन जाएगा नहीं बनेगा तो क्या करें हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज आपके पानी को आइस में क्यों कन्वर्ट करेगा क्या है उसके पास तो उसको एबनॉर्मल स्टेज में ले जाने के लिए उसको टू मच एफर्ट करना पड़ता है तो उसमें एक हीट जनरेट होती है जो जाके उसको बांधती है एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो आपके आइसक्रीम में लेटेंट हीट बहुत होती है ऑन टचिंग यू कैन फील यस इट इज कोल्ड लेकिन नेचर उसका हॉट है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिला है और हॉट है केमिकल है ना तो ये टू मच हॉट है इसलिए आइसक्रीम का यूज करना केमिकल होने के नाते गला खराब करता है हॉट करने के नाते गला खराब करता है। अगर हॉट का अटैक हुआ है बहुत ही वंडरफुल चीज आपको बता रही हूँ कभी भी नहीं सुना होगा आपने अगर आपको सर्दी लग गई सर्दी माने कोल्ड का अटैक हुआ है तो यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ नेक में आएगा और अगर हीट का इफेक्ट होता है तो थ्रोट हमारा डिस्टर्ब होता है। अब आइसक्रीम खाने पर नेक में प्रॉब्लम आती है कि थ्रोट में ऑब्वियसली गला खराब होता है तो गला खराब हो रहा है इट इंडिकेट्स कि आइसक्रीम इज नॉट कोल्ड इट इज हीट इसलिए इसने गला खराब किया गर्म है ये तो अब क्या करें आइसक्रीम को फ्राई करके खाएं क्या तो फ्राई भी तो वही है। मैंने ये फ्राई क्यों बोला पता है मैंने कहीं सुना हमारे स्टूडेंट भी बड़े कमाल के हैं उन्हें पता है कि जो चीज थोड़ी अलग सी होती है वो मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है तो मेरे से बोलती हैं कि मैम आप आइसक्रीम खाएंगी मैंने कहा क्यों खाएंगे अगर आपको बहुत लगता है कि हमें कुछ ठंडी चीज खिलानी है तो आप घड़े का एक गिलास पानी पिला दो तो वो समझ गए हैं तो उन्होंने कहा हम आपको फ्राइड आइसक्रीम खिला सकते हैं। तो फ्राइड आइसक्रीम बोला कोल्ड है इसलिए नहीं खा रही ना मैं फ्राइड आइसक्रीम खिला सकता हूँ। मैंने कहा ये कैसे होता होगा तो बोला कि उसको फ्राई करते हैं ये दिल्ली के साइड में ज्यादा है दिल्ली में तो ये भी हो रहा है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कहाँ तक लेके जाएंगे हमें भगवान जाने। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताई तो अगर आप ये सारी चीजें ठीक रखेंगे तो अपने आप को हेल्दी रखेंगे। अगर इसमें डिस्टर्ब करेंगे आपको आता कुछ नहीं है आप इसको इसमें मिला रहे हैं इसमें ये मिला रहे हैं इसमें ये एक्सपेरिमेंट टाइप का कर रहे हैं तो आप बीमार रहेंगे।
और आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो अगर आप बीमार हो और आपको लगे, मैं इससे रिलेटेड नहीं बात कर रही हूँ, अदरवाइज कर रही हूँ, तो आपके पास में ऑनलाइन ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, आप इसमें से फर्स्ट वाले नंबर पर ही केवल व्हाट्सएप करें, ताकि मैं मंडे से सैटरडे में 3 to 5 जब बैठती हूँ तो आपको देख सकूं। सेकेंड वाला नंबर ऑप्शनल इसलिए दिया है, मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तभी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाए, तब आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। तो ये कोई प्रचार करने के लिए, उसके लिए नहीं बता रही हूँ, आप ट्रीटमेंट के लिए पूछते हैं जो, उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपका मन करे तो ऑप्शनल है, अदरवाइज आप अपने से, इसीलिए तो बताती हूँ ना, ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें और मेरे पास आप कम से कम आया करें, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आपने वीडियोस को ध्यान से सुना, समझने की कोशिश करी, और आशा है कि अपने लाइफ में भी इसको अपनाएंगे और लाभ मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग यूज करते हैं और उसका रिजल्ट कमेंट में लिखते हैं, तो आप भी कमेंट में लिखते जाइए ताकि हमें जानकारी मिलती रहे। और अगला टॉपिक क्या चाहिए, किस पर चाहिए, वो लिख देते, मैं सारा पढ़ती हूँ, आंसर नहीं कर पाती, पढ़ती पूरा हूँ, तो वो पढ़ करके जो मुझे लगता है कि हाँ ये इस पर बनाना है, उस पर बनाती हूँ। कुछ के आंसर जो मैं नहीं देती हूँ, उसके पॉइंट नहीं बता पाती, उसका रीजन यही है कि वो बीमारियां कठिन हैं, बड़ी हैं। अब उन बड़ी बीमारियों का मैं 1 point 2 point से तो नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती, तो वहां मैं कहती हूँ कि आप अपना यहीं पर हमें लिख के भेज दीजिए कमेंट, तो वो कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ और फिर अपना उस हिसाब से आंसर कर देती हूँ, ठीक है। बालेन जी ने पूछा है टंग डायग्नोसिस की क्लास कब होगी, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं और मुझे इतना गिल्ट फील होता है, मैं टाइम अलॉट करना चाहती हूँ, मेरे पास हो नहीं पाता। अभी परसों में थोड़ा फ्री हो गई थी, मुझे लगा कि अब मैं प्लान कर दूंगी, फिर रात में एक मैसेज आ गया कि आपको ये इतने काम और भी करने हैं, सारे प्लान मेरे फेल हो जाते हैं, मैं क्या करूं। और आप लोगों के धैर्य की तो काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, और जब होगा देखेंगे, शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि अभी थोड़ा रेस्ट मोड में रहें हम सब, लेकिन होगी, अब नेक्स्ट होगी ना तो होगी टंग डायग्नोसिस पर ही होगी और किसी भी नहीं होगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस रहा। कब होगी ये मैं भी नहीं बता पा रही, मैंने तो फरवरी में सोचा था, फिर मार्च में सोचा, अभी अप्रैल भी निकलने वाला है, मैंने सोचा था अप्रैल में पक्का करूंगी, फिर निकल गया। आप देखिए, कोशिश करूंगी, जब भी टाइम मिलता है मैं प्लान कर दूंगी आपका, ठीक है। आप लोगों